प्रोटेस्ट हमारा जो राजौरी में रिसेंट किलिंग हुई उसके हवाले से है सर। देखिए वहाँ पे चार मासूम लोगों की और एक छोटी बच्ची की मौत हुई कल, उसके लिए हमारा प्रोटेस्ट है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे अलजी साहब दावे कर रहे हैं कि नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर है। कहाँ पूरा बॉर्डर, अगर पूरा बॉर्डर कवर करके रखा है, हमारा 80% जाता है लोगों फोर्स पे, तो इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है? ये राजनीति है, बताइए यही नया। अगर ये राजनीति है हिंदू मुस्लिम लड़ाने की, तो हमें ऐसा नया कश्मीर नहीं चाहिए, नया हिंदुस्तान नहीं चाहिए। अगर ये डेमोक्रेसी है तो हमें नहीं चाहिए। अगर ये कश्मीरी के मरवाने की राजनीति है तो नहीं चाहिए हमें। हमें हम उस खिलाफ के हम राजभवन तक गवर्नर साहब को हम बताएंगे। कभी एक कश्मीरी को कभी इंसाफ नहीं मिला, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कश्मीरी को इस्लाम इंसाफ नहीं मिला। पकड़ क्यों नहीं रहे उनको? कहां से आप, मैं आप ही ने सवाल, मोदी जी का सवाल है, रविंदर रैना जी का, हम आजाद कश्मीर भी लेंगे। जब हमारे इधर मिलिटेंट्स हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे? आजाद कश्मीर लेंगे, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं आतंकवादी, अगर रविंद्र रैना जी बोल रहे हैं कि हम आजाद कश्मीर भी लेंगे, तो यहाँ कैसे मिलिटेंट? वो यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आजाद कश्मीर का क्या करेंगे? आपको रिलीजियसली किलिंग हो रही है, हमारे पंडित भाई मर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ से कंटिन्यूअसली तो टारगेट किलिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है? अगर आप बताइए, अगर हमारा बॉर्डर पूरा कवर है, आप ये पूरे दुनिया को पता है 80% हमारा जा रहा है, तो कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? ये जालिम लोग कौन ला रहे हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं लोग? अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि हम आजाद कश्मीर को भी छीन के लेंगे, तो फिर ये क्यों हो रहा है? हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? अगर वो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो हमारे अपने जम्मू में लोग कैसे मर रहे हैं? हमारे अपने कश्मीर में लोग कैसे मर रहे हैं? देश का बच्चा जिनका इंसान जाता है ना, पैसे उधर मैटर नहीं करता। जिसकी जान चली गई, मोदी जी और गवर्नर साहब पैसे देगा, पैसों से कुछ नहीं होने वाला। पैसे वो मर के देंगे, पैसा तो उन पैसों के जाने। अगर वार चलता है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल वार चलता है, यहाँ पे अभी तक 40 साल हो गए यहाँ पे वार चल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है। ये राजनीति हिंदू मुस्लिम लड़ाने की राजनीति है। इस मैं नो कहता हूँ। अगर ये हमारी डेमोक्रेसी है तो हमें ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। अगर ये नया कश्मीर है तो हमें ऐसा नया कश्मीर नहीं चाहिए।